हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया तो हम जो पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट है हमारा सर्वेइंग ठीक सर्वेइंग हमको क्यों ज़रूरी है सर्वेइंग हमें इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम जैसे कोई भी डैम बनाते हैं कोई रोड बना रहे हैं कोई भी कुछ भी चीज़ बना रहे हैं हम कुछ भी चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होगी हम सबसे पहले जाएंगे उस फील्ड में जहाँ पे भी हमारा जो चीज़ कंस्ट्रक्शन होना है तो हम उस फील्ड पे जाएंगे वह उस फील्ड पे क्या करेंगे उस फील्ड में हम कुछ कंट्रोल पॉइंट्स लेके हम एक डाटा कलेक्ट कर लेंगे वहां का ठीक है डाटा कलेक्ट करके अपनी मेजरमेंट बुक में लिख लेंगे जिसको हम फील्ड बुक भी कहते हैं फील्ड बुक में लिख लिया उसको क्या करेंगे हम फील्ड बुक में लिखने के बाद हम उसको ऑफिस में ला एक मैप ड्रॉ करेंगे ठीक है मैप देखा होगा आपने कई चीजों का मैप होता है आगे 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 चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो हम मैप में मैप में ड्रा कर देते हैं फिर क्या होता है हमने एक मैप तैयार कर लिया उस जगह का कि हमने इस तरह से यहाँ पे काम करना है फिर क्या करेंगे हम उस मैप को उस मैप के थ्रू से हम जाके अपने फील्ड में या अपने जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया है वहाँ जाके हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे तो सबसे पहले हमारे उसमें कंस्ट्रक्शन लाइन में हमारे सिविल लाइन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो हमारा सर्वेइंग है इसीलिए हमको सर्वेइंग क्या करते हैं थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा देते हैं ठीक है ठीके? बाकी जो सोम होम की बात है जो लोड लूड हो की बात है जो भी कुछ कुछ बीम की बात है वो सब तो बात की बात है सबसे पहले हमको क्या करना है हमें सर्वे करना हर जगह की ठीक है हम जिस भी अपने फील्ड में हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वहां की हमको सर्वेइंग करनी है तो सर्वेइंग की दो चीज हमेशा याद रखना सर्वेइंग में क्या होता है कि सबसे पहली चीज हम गए प्लॉट में या फील्ड में गए हमने वहाँ से डाटा कलेक्ट किया डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने उसको मेजरमेंट बुक में लिखा मेजरमेंट बुक में लिखने के बाद हमने उसको कहाँ गए हमने उसको मैप में ड्रॉ करा पहली चीज ये हो गई ये हमेशा याद रखना क्या, क्या क्या बोला मैंने कि सबसे पहले हम फील्ड में गए हमने फील्ड में क्या किया सारा डाटा कलेक्ट करा सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने मेजरमेंट बुक में लिखा और मेजरमेंट बुक से हमने किस में लिखा मेजरमेंट बुक से हमने उसको ड्रॉ करा हमारे एक मैप में ठीक है फिर दूसरा क्या हो गया अब हमारी मैप तैयार हो गई है ठीक है जब हमारी मैप तैयार हो गई उसके बाद हम क्या करेंगे उस मैप के थ्रू उस मैप के थ्रू हम जाएंगे अपने फील्ड पे और वहां हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे अब जैसे आप देख लो रोड अगर हमको कहीं रोड बनाना हो तो क्या करेंगे अगर हमारे पास एरिया हो गए, जैसे हमको ये फील्ड दे, दे दे कि भाई यहाँ पे रोड बनानी है तो हम ऐसा तो है नहीं कि हम वहां पे जाके सीधा 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 कहीं रोड बना देंगे हो सकता है वहाँ पे क्या हो कि जो 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 वहाँ पर नेचर हो ग्राउंड का वो कहीं बड़ा हो कहीं छोटा कहीं हो कहीं ऊपर हो कहीं नीचे हो अंडुलेशन हो बहुत सारे तो क्या करेंगे हम सीधा जाके तो वहाँ बना रोड तो बना नहीं देंगे कि अंडुलेशन ऐसे ऐसे वाली रोड बना रहे ऐसे में तो गाड़ी चलेगी नहीं इतनी अच्छी तो हम क्या करेंगे हम वहाँ क्या करेंगे थोड़ी चीज़ें काटेंगे थोड़ी मिट्टी को काटेंगे थोड़ी मिट्टी को खोदेंगे ठीक है क्या करेंगे थोड़ी मिट्टी काट देंगे ऊपर से थोड़ी नीचे खोद देंगे कहीं फिल करेंगे कहीं एक्जवेट करेंगे ये हमारा रोड के उसमें चलता है ठीक है तो सबसे पहले हमारे जो सर्विंग चैप्टर है उसमें जो चैप्टर नंबर वन है फंडामेंटल ऑफ सर्विंग फंडामेंटल ऑफ सर्विंग में हम पढ़ेंगे कि हम सर्विंग क्यों करते हैं सर्विंग क्या चीज़ है और सर्विंग के प्रिंसिपल क्या क्या है हमारे ठीक है कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं कौन कौन सी सर्विंग होती है उसके टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल ऑफ सर्विंग में या इसको हम इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं ठीक है दूसरा आता है हमारे पास लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्विंग अब आपने चेन सर्विंग अपने थर्ड सेमेस्टर में किया होगा चेन लेके गए होंगे रेंजिंग रोड लेके गए होंगे तो इससे हम क्या करते हैं हम इनसे क्या करते हैं ग्राउंड में क्या है? करते हैं लेंथ को मेजर करते हैं लेंथ को मेजर करते हैं ठीक है किसमें चेन सर्विंग में हम क्या करते हैं लेंथ को मेजर करते हैं हम ठीक है चेन ले गए और दो रेंजिंग रोड खड़ी करी आपने देखा होगा आपने करा होगा दोनों साइड उसके बीच में चेन लगाया फिर उसको क्या करा टेप के थ्रू से हमने मेजर कर लिया ठीक है ये हमारा चेन हो गया कंपास सर्विंग हम कंपास लेके चलेंगे इसमें क्या कहें एंगल को मेजर करते हुए चलेंगे हम लोग ठीक है कंपास सर्विंग हमने देखा होगा कंपास में क्या होगा आगे पढ़ेंगे हम फिर इसी कंपास के अंदर हम पढ़ेंगे होल सर्कल बियरिंग के बारे में ठीक है क्वाड्रेंटल बेरिंग जिसको हम रिड्यूस बेरिंग भी कहते हैं ये भी याद रखने वाली बात है फिर हम प्रिजमेटिक कंपास और सर्वेइंग सर्वेयर कंपास के बारे में पढ़ेंगे उनके फंक्शंस पढ़ेंगे किस वाले में कौन सा यूज होता है ये आप पढ़ेंगे ठीक है फिर आता है हमारा ट्रेवर्स सर्वेइंग ठीक है ट्रेवर्स सर्वेइंग में हम बाउंड रूल के बारे में पढ़ेंगे ठीक है ये भी हमारा फिर लेवलिंग एंड कंटूरिंग। लेवलिंग में हम फिर थोडोलाइट के बारे में पढ़ेंगे ठीक है कंटूरिंग में हम कंटूर्स बनाना सीखेंगे कैसे कंटूर कैसे बनता है कौन सा हिल होता है कौन सा डिप्रेशन होता है किस में नंबर ऑफ नंबर किस में ज्यादा इनसाइड कौन सी नंबर ज्यादा होती है आउटसाइड कब ज्यादा होती है ठीक है ये वाला हो गया ओवरहैंगिंग क्लिफ के बारे में पढ़ेंगे हम कब हमारे कंटूर लाइन एक दूसरे को मीट करते हैं कब नहीं करते ये वाली बात पढ़ेंगे फिर आती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग भी कहते हैं फिर इसके बारे में पढ़ेंगे फिर टेक्योमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें इसमें वाला फॉर्म एक ये वाली बात होगी इसमें ठीक है मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट ये सब कुछ टेकोमेट्री में पढ़ेंगे फिर हम कव्स के बारे में पढ़ेंगे कर्व पढ़ेंगे हम ठीक है सिंपल कर्व कंपाउंड कर्व रिवर्स कर्व हो गया हमारे पास ठीक है इनके बारे में पढ़ेंगे फिर हम लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड निकालना सीखेंगे एपेक्स डिस्टेंस निकालना सीखेंगे ये हमारी कर्व्स में आ गई एक आता है हमारा थ्योरी ऑफ एरर थ्योरी ऑफ एरर अगर हम डिप्लोमा स्टूडेंट की बात करें तो ये लोग नहीं पढ़ते ठीक है तो ये क्या होता है हमारे बीटेक में सब्जेक्ट ये बीटेक का एक चैप्टर है थ्योरी ऑफ एरर या इसको एक्यूरेसी एंड एरर के नाम से भी हम जानते हैं ठीक है थीके? इसमें हम करेंगे बट ये क्या है कि हमारे डिप्लोमा वाले एग्जाम में बहुत कम ही चांस में आता है एक एक दो क्वेश्चन आ सकता है वैसे बहुत ही कम चांस होता है ये ए के एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है फिर आता है हमारा जो मेन है प्लेन टेबल सर्विंग प्लेन टेबल सर्विंग तो आना ही आना है इसमें हमको पता होना चाहिए रिसेक्शन क्या होता है ऑरिएटेशन क्या होती है टू पॉइंट प्रॉब्लम थ्री पॉइंट प्रॉब्लम रेडिएशन क्या होता है इंटरसेक्शन क्या होता है रिसेक्शन क्या होता है ये सब कुछ हमको इसमें पढ़ना है प्लेन टेबल सर्विंग में प्लेन टेबल सर्विंग में हमको क्या क्या चीज़ें याद करने की है कि हमको टेबल का पता होना चाहिए कितने साइज कितने साइज का होता है उसमें जो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारों का नाम याद होना चाहिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है ये सब कुछ क्योंकि एग्जाम में क्या होता है हमसे न्यूमेरिकल व्युमेरिकल कुछ नहीं पूछा जाता ज़्यादा हमसे जो पूछा जाता है वो इनके बारे में पूछा जाता है कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करता है क्या काम करता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा ठीक है फिर आता है एक हमारा एडवांस सर्विंग सर्विंग टू ठीक है उसमें क्या होता है फोटोग्रामेट्री फोटो फोटोग्रामेट्री का मतलब हो गया जो हम क्या करते थे पहले टाइम पे एक एरोप्लेन उड़ा लिया उसके नीचे से कैमरा उड़ा लिया कैमरा लगा दिया मतलब अब तो क्या हो गया ड्रोन की मदद से हम ये कर लेते हैं ठीक है क्या होता है कैमरा क्या करता है ऊपर से उड़ा दिया नीचे से ये फील्ड का ऊपर से फील्ड नीचे से फील्ड का जो होता है ऊपर हवा में उड़ रहा है नीचे फील्ड की क्या करें फोटो खींचते हुए आगे आगे जा रहे हैं फोटो 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 खींच लेगा फिर हम क्या करेंगे उसको उन फोटो को एक साथ जोड़ के हम उस एरिया के बारे में पता करेंगे ठीक है फोटोग्रामेट्री हो गया फिर आता है हमारे पास फील्ड एस्ट्रोनॉमी फील्ड एस्ट्रोनॉमी में क्या करते हैं हम कई चीजों का काम होता है फील्ड एस्ट्रोनॉमी में जैसे हम हम आकाश के बारे में पता करते हैं उसके सन के रिस्पेक्ट में हम उसका सन के रिस्पेक्ट में धरती का अर्थ का वो पता करते हैं उसमें कई चीज़ों का कई स्टार्स का पता करते हैं हम कितनी दूरी पे है क्या है ये सब हमारा फील्ड एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड होता है ठीक है फिर आता है कि हमारे पास जीआईएस एंड जीपीएस इसमें से कई बार हमारे डिप्लोमा में क्वेश्चन आ जाता है जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ठीक है जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और जी मतलब ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक है जी क्या होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और जी होता है हमारे पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम फिर आता है हमारे पास रिमोट सेंसिंग रिमोट सेंसिंग में हमको एक चीज़ याद रखनी है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा रिमोट सेंसिंग से हमको सिर्फ और सिर्फ जो पूछा जाता है इनके टाइप्स होते हैं एक होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग एक होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग और क्या करता है? इनके क्या करते हैं इनके एग्जाम्पल्स पूछता है हमसे ठीक है इनके एग्जाम्पल्स पूछता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी आई में क्या, क्या पूछता है कई बार क्वेश्चन आता है सेटेलाइट के बारे में पूछता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इनके बारे में हमसे ज्यादा नहीं पूछेगा फोटोग्रामेट्री में एक चीज़ पूछ सकता है ये टिल्ट के बारे में पूछता है कुछ कई क्वेश्चन आता है टिल्ट के बारे में तो वो पढ़ेंगे हम आगे क्या क्या बात है इसमें वो तो टिल्ट के बारे में पूछ सकता है ठीक है तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ सर्विंग सर्विंग हमारे लिए क्यों जरूरी है क्यों करते हैं क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं और कौन कौन सी सर्विंग होती है ठीक है आप पढ़ेंगे हम इनके बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग की ठीक है सबसे पहले हमने सर्वे के बारे में लिखा सर्वे क्या होता है सर्वे इज एन आर्ट ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस डायरेक्शन एंड एलिवेशन मतलब कि अगर हमको किसी फील्ड का डिस्टेंस निकालना हो कैसे या तो हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर लें हो सकता है कि वो ग्राउंड का कुछ नेचर ऐसा हो कि हम वहाँ पर डायरेक्ट मेजरमेंट ना कर सकते है ना कुछ भी हो सकता है हो सकता है, है ग्राउंड के बीच में कोई तालाब हो कुछ भी चीज हो तो हम क्या करेंगे वहां पे इनडायरेक्टली मेजर कर लेंगे ठीक है वो आगे पढ़ाऊंगा मैं कि डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है तो हमने सिर्फ इतना पढ़ लिया अभी फिर हम उसमें क्या कहते हैं डायरेक्शंस भी निकाल सकते हैं हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं एलिवेशन निकाल सकते हैं हम ठीक है एलिवेशन निकाल सकते हैं हम तो इस ये हमारा जो लिखना है हमने सर्वे में सर्वे इज एन आर्ट ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस डायरेक्शन एंड एलिवेशन ठीक है इतना लिख लिया हमने फिर उसके बाद आता है जो एक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जो हम लोग हम लोग सोचते हैं कि क्या होता है कि अर्थ जो होता है कि हमारा क्या बिल्कुल एक स्फेरिकल शेप का है बट जो अर्थ होता है वो स्फेरिकल शेप का नहीं होता अर्थ क्या होता है हमारा ऑब्लिट स्फेरिकल शेप का होता है ठीक है वो थोड़ा क्या होता है अंडाकार शेप का होता है ठीक है अगर हम देखें आगे ठीक है ये एक ये जो हमारा बनेगा ये हमारा एक्चुअल केस होता है ये हमारा एक्चुअल केस है और ये हम क्या करते हैं सर्वेइंग में एज्यूम करके चलते हैं एज्यूम्ड करके चलते हैं ठीक है एक हमारा एक्चुअल केस है और एक हमारा एज्यूम्ड केस है ठीक है ठीक है ये कुछ इस तरीके से और जो हम एज्यूम करके चलते हैं उसको हम कुछ इस शेप में मान के चलते हैं ठीक है ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट स्फेरिकल ये क्या हो गया हमारा स्फेरिकल हम एक्चुअल में क्या होता है जो अर्थ होता है वो ऑब्जेक्ट स्फेरिकल होता है और ये इसमें में क्या मान के चल रहे हम सर्विंग में कि वो क्या होता है एक अंडाकार मतलब स्फेरिकल शेप का होता है ठीक है फिर क्या होता है आगे देखो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल ये हमारा साउथ पोल ठीक है जो इन दोनों के बीच का जो डायमीटर होता है नॉर्थ टू साउथ पोल के बीच का डायमीटर इसको बोलते हैं हम पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ ठीक है क्या बोलते हैं हम नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में जो ये डायमीटर है नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में जो अर्थ की डायमीटर है उसको नाम क्या है हमारे पास पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ ठीक है पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ फिर एक और चीज एक और लाइन होती है जो कुछ यहां से होगी यहां तक इसको जो बोला जाएगा इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे हम इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ अर्थ क्या बोलेंगे हम किस पे 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 है तो इसको क्या बोलेंगे हम इक्विटोरियल डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ अर्थ ठीक है ये हमने लिख लिया इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ अर्थ ठीक है ये हमने क्या लिखा इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ ठीक है ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो है उसको बोला हमने पोलर अर्थ और जो ये वेस्ट ईस्ट के बीच में है उसको हमने क्या बोला उसको बोला हमने इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ अर्थ ठीक है इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ अर्थ ये हमने देख लिया ठीक है एक्चुअल का केस ये वाला है अभी आगे पढ़ेंगे हम एक्चुअल के केस में क्या क्या होता है हमने इस इस लाइन को बोला डीई इस वाले लाइन को बोला डीई और इस वाले लाइन को बोला डीपी ठीक है डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल और डायमीटर ऑफ पोलर ठीक है ये याद रखना आप तो ये याद रखें जो डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल होता है जो डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल होता है वो क्या होता है बड़ा होता है डायमीटर ऑफ पोलर से ठीक है अभी ये क्या हो समझने के लिए है पेपर में आएगा नहीं वैसे ये चीजें ये समझने के लिए ठीक है कि जो डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल होता है वो क्या होता है बड़ा होता है डायमीटर ऑफ पोलर से ठीक है कितना बड़ा होता है ये भी पता होना चाहिए जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वो कितने का होता है वो होता है फोर्टी टू पॉइंट नाइन फाइव फोर्टी टू पॉइंट नाइन फाइव किलो मीटर का ठीक है कितना होता है फोर्टी टू पॉइंट पर हम इसको क्या लेके चलते हैं फोर्टी थ्री किलो मीटर ठीक है कितने का डिफरेंस होता है सॉरी किलोमीटर का हमारे पास डिफरेंस होता है है ठीक ये हमारा हमने जो एक्चुअल केस माना था उसमें होता है एज्यूम केस में क्या होता है कि हम क्या मान के चलते एजूम केस में क्या होता है कि हम मान के चलते अर्थ क्या हमारा एक बिल्कुल स्फेरिकल शेप का है ठीक है ये मान के चलते हम ठीक है सिर्फ एक और चीज़ याद रखने की जो बात है एक और चीज जो याद रखने की बात है इसमें एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ जो एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो कितना होता है ठीक है एवरेज रेडियस की बात कर रहा हूँ मैं डायमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने डायमीटर की बात की है यहाँ पे मैं रेडियस की बात कर रहा हूं जो एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ होती है वो होना वो होता है सिक्स थ्री सेवन जीरो किलोमीटर ठीक है एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है हमारी सिक्स थ्री जीरो सिक्स थ्री सेवन जीरो किलोमीटर अगर इसका डायमीटर निकालना होगा तो मल्टीप्लीकेशन कर देना दो के साथ तो इसका डायमीटर निकल जाएगा ठीक है तो हमने यहां पे क्या देखा कि जो नॉर्थ और साउथ पोल का जो डायमीटर होता है वो कम होता है किससे इक्विटोरियल डायमीटर से इक्विटोरियल डायमीटर से. से क्या होता है कम होता है नॉर्थ जो नॉर्थ पोल की जो सॉरी जो पोल जो पोलर डायमीटर होती है वो कम होती है किससे इक्वेटोरियल डायमीटर से ठीक है कितना कम होती है फोर्टी टू पॉइंट नाइन फाइव किलोमीटर या इसको फोर्टी थ्री किलोमीटर कहते हैं ठीक है एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ कितना सिक्स थ्री सेवन जीरो किलोमीटर डायमीटर होगा तो इसका मल्टीप्लीकेशन टू से कर देना आ जाएगा हमारा आंसर ठीक है ये हमारा क्या हो गया अर्थ के बारे में हो गया तो आपको खुद ही पता चल रहा अगर ये काम है तो क्या होगा ये थोड़ा नीचे को पिचका हुआ होगा और ये साइड से फैला हुआ होगा ठीक है तो अर्थ कैसा होता है ऑब्लिट स्पेरिकल ठीक है ऑब्लिट स्फेरिकल ठीक है, याद रखना इसको ठीक है ये आपने लिख लिया होगा अब पढ़ते हैं हम थोड़ा आगे टाइप्स ऑफ सर्वेइंग पे ठीक है सर्वेइंग की टाइप्स क्या क्या होती है ठीक है टाइप्स ऑफ सर्वेइंग तो टाइप्स ऑफ सर्वेइंग जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज पता करते हैं ठीक है टाइप्स ऑफ सर्विंग लिखने से पहले एक नोट पॉइंट में लिखना टाइप्स ऑफ सर्विंग लिखने से पहले एक नोट पॉइंट में एक चीज लिखना कि कर्वेचर ऑफ अर्थ कर्वेचर ऑफ अर्थ करवेचर ऑफ अर्थ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नोन एज इज नोन एज इज नोन एज कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोइड जो अर्थ की कर्वेचर होती है जो अर्थ की कर्वेचर होती है उसको हम क्या कहते हैं जियोइड कहते हैं ठीक है अर्थ की कर्वेचर को क्या कहते हैं हम कहते हैं अब कर्वेचर क्या होता है आर क्या होता है पास? क्या होता हमारे, पास? क्या होता हमारे पास रेडियस और वन बाय आर क्या होता है हमारे पास करवेचर ठीक है आर क्या होता है हमारे पास रेडियस और वन बाय आर क्या होता है हमारे पास करवेचर मतलब देखो क्या एक आर्क की तरह है ना एक सर्कल की तरह हो रहा है ये एक आर्क की तरह है तो क्या हो रहा है तो जो कर्वेचर जो ये अर्थ की कर्वेचर है ये मानो अर्थ है ये पूरा ऐसे करके ऐसे मान लो ऐसा अर्थ है ये तो जो अर्थ की जो ये कर्वेचर है इसको हम क्या बोलते हैं जुआइड क्या बोलते हैं याद रखना जो अर्थ की कर्वेचर होती है उसको क्या बोलते हैं हम ज्योइ कहते हैं ठीक है ज्योइट कहते हैं जो अर्थ की कर्वेचर होती है उसको हम क्या कहते हैं जुआइड कहते हैं ठीक है अर्थ की कर्वेचर को हम क्या कहते हैं जुआइट कहते हैं ठीक है उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सर्विंग टाइप्स ऑफ सर्विंग टाइप्स ऑफ सर्विंग ठीक है टाइप्स ऑफ सर्विंग तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सर्विंग में याद रखना पहला होता है हमारे पास प्लेन सर्विंग प्लेन सर्विंग प्लेन सर्विंग और दूसरा होता है हमारे पास जियोडेटिक सर्विंग ठीक है एक होता है हमारे पास प्लेन सर्विंग एक होता है हमारे पास जियोडेटिक सर्विंग अब प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग में क्या अंतर है ये देखो कि माना ये हमारा कुछ ये अर्थ है अगर हमको प्लेन सर्विंग की बात करें अगर हमको किसी स्मॉल एरिया में स्मॉल एरिया में काम करना हो ठीक है स्मॉल एरिया में काम करना हो तो क्या होगा हम जैसे मान लो कुछ स्मॉल एरिया में के बीच में वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा इसमें जो कर्वेचर ऑफ अर्थ होगा हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे प्लेन सर्विंग की बात कर रहा हूँ मानो हम किसी छोटे एरिया में काम कर रहे हैं ठीक है इतना छोटा सा एरिया में हमको काम करना है तो क्या हम करेंगे हम इसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करेंगे हम इसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर हम क्या मानेंगे ग्राउंड को हम बिल्कुल फ्लैट मानेंगे बिल्कुल फ्लैट मानेंगे ठीक है बिल्कुल समतल मानेंगे प्लेन मानेंगे बट अगर उसी तरीके से अगर हमको लार्ज एरिया में सर्विइंग करना हो मानो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का सर्वेइंग करना होगा तो क्या होगा इसमें क्या होगा कर्वेचर ऑफ अर्थ हमको कंसीडर करना पड़ेगा ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं जियोडेटिक सर्वेइंग की बात कर रहा हूँ अगर हमको लार्ज एरिया में हमें लार्ज एरिया में सर्वेइंग करना हो अगर हमको ये लार्ज एरिया में सर्वेइंग करना होगा तो हमको क्या करना होगा उसमें जियोडेट कर्वेचर ऑफ अर्थ क्या करना होगा कंसिडर करना होगा और अगर हम छोटे एरिया में क्या कर रहे हैं छोटे एरिया में सर्वेइंग कर रहे हैं तो हमको वहां पर करवे, जो करवेचर है अर्थ की उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है उसको हम क्या मानेंगे प्लेन सर्वेइंग ठीक है हम उसमें क्या करते हैं ग्राउंड को प्लेन मान के चलते हैं ठीक है प्लेन मान के चलते हैं ठीक है प्लेन मान के चलते हैं ठीक है हमने लिखा टाइप्स ऑफ सर्वेइंग कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ सर्वेइंग एक तो होता है प्लेन सर्वेइंग एक होता है हमारे पास जियोडेटिक सर्वेइंग ठीक है प्लेन सर्वेइंग में लिखना प्लेन सर्वेइंग में सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज नॉट कंसीडर्ड इज नॉट इफेक्ट ऑफ कंसीडर इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज नॉट कंसीडर्ड ठीक है हम क्या करते हैं कि इसमें जो कर्वेचर ऑफ अर्थ होता है इसको कंसीडर्ड नहीं करते क्यों क्या किसे अगर हमको किसी स्मॉल एरिया का सर्वे करना होगा तो हम वहां पे अगर अगर हम कर्वेचर को कंसिडर कर भी लेंगे तो वो बहुत ही कम अमाउंट जीरो पॉइंट जीरो जीरो समथिंग में कुछ आएगा हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे ठीक है उसको हम क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं तो इसीलिए क्या आप बोलते हैं कि प्लेन सर्वेइंग में प्लेन सर्वेइंग में हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम कंसिडर नहीं करते क्या नहीं करते कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम कंसिडर नहीं करते दूसरा क्या होता है सुटेबल वेन एरिया इज स्मॉल कब सुटेबल है जब हमारे पास एरिया का होगा स्मॉल होगा ठीक है एरिया की बात कितनी की जाती है 195.5 किलोमीटर, ठीक है? 195.5 किलोमीटर कब कब सुटेबल होगा? जब स्मॉल एरिया क्या होगा? स्मॉल। मतलब हमको स्मॉल एरिया में अगर हमको सर्वेइंग करनी है तो हम प्लेन सर्वेइंग का यूज करेंगे ठीक है दूसरा आता हमारे पास जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में जियोडेटिक सर्वेइंग ठीक है जियोडेटिक सर्वेइंग जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या बोलेंगे हम सबसे सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर होता है जो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर होता है जो इफेक्ट उसको हम क्या करते हैं कंसीडर करते हैं ठीक है थीके? उसको हम कंसीडर करते हैं मतलब जो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज कंसीडर जो इफेक्ट होता है कर्वेचर का उसको क्या करते हैं हम कंसीडर करते हैं और दूसरा बात है सुटेबल वैन सुटेबल वेन एरिया इज लार्ज मतलब कहां सुटेबल होगा जहां अगर हमको लार्ज एरिया में हमको अगर सर्वेइंग करनी होगी तो वहां क्या होगा जो कर्वेचर का इफेक्ट है जो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर है वो क्या होगा हमारा लेना पड़ेगा ठीक है हमको इफेक्ट ऑफ कर्वेचर कंसीडर करना पड़ेगा और कहाँ सुटेबल है ये जब हमको लार्ज सर्वेइंग करनी होगी ठीक है लार्ज एरिया में सर्वेइंग करनी होगी तब ये सुटेबल है हमारा ठीक है ये समझने वाली बात है प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग में सिर्फ दो चीजें याद रखनी है एक तो कितने एरिया तक की बात कर रहा है वो 195.5 किलोमीटर ठीक है 195.5 सिर्फ याद रखना 195.5 ठीक है दूसरा इसमें क्या होगा जो याद रखने वाली चीज है कि 195.5 तक होगी तो हम प्लेन सर्वेइंग को यूज करेंगे 195.5 तक किलोमीटर तक की होगी तो उससे ज्यादा होगी अगर 195.5 तक होगी तो हम प्लेन सर्वेइंग को यूज करेंगे 195.5 से ज्यादा होगी तो हम जियोडेटिक सर्वेइंग को यूज करेंगे एक ये पॉइंट याद करना है प्लेन सर्वेइंग में दूसरी चीज याद करनी है कि कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम कंसिडर नहीं करते हैं और जियोडेटिक सर्वेइंग में हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम कंसिडर करते हैं ये याद रखना है बस इसमें और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना ठीक है इसके बाद अगर मैं आपको समझाऊं इसके आगे अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं एक चीज समझाऊं अगर अगर नोट नोट लिख लेना ये कई बार एग्जाम में पूछे चले जाते हैं कि अगर हम प्लेन सर्वेइंग कर रहे हैं अगर हम प्लेन सर्वेइंग कर रहे हैं ठीक है ये सीधा प्लेन सर्वेइंग की बात हो रही है अगर हम प्लेन सर्वेइंग कर रहे हैं बारह किलोमीटर ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है मानो ये कोई इनके बीच में कोई डिस्टेंस है बारह किलोमीटर की ठीक है ये बारह किलोमीटर की डिस्टेंस है और ये क्या हम प्लेन सर्विंग कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है प्लेन सर्विंग कर रहे हैं अगर हमको इसी बारह किलोमीटर का जियोडेटिक सर्विंग से करना होता तो क्या होता अगर हमको इसी बारह किलोमीटर का जियोडेटिक सर्विंग से करना होता फिर क्या होता फिर जो फिर जो डिस्टेंस निकल के आती वो निकल के आती 12 किलोमीटर प्लस वन सेंटीमीटर ठीक है ये बात की मैंने प्लेन सर्विइंग की प्लेन सर्विइंग ये नोट करके लिख लेना और ये किसकी बात की मैंने जियोडेटिक सर्विइंग की ठीक है मतलब अगर हमको ये लेंथ के अकॉर्डिंग है इससे मैं लेंथ की बात कर रहा हूं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं कि अगर हमको 12 किलोमीटर मान के चलो अगर हमको 12 किलोमीटर प्लेन सर्वेइंग करनी है ठीक है तो ये ए और बी में मैंने क्या किया 12 किलोमीटर की क्या की प्लेन सर्वेइंग की अगर इसी 12 किलोमीटर पे हम हमको जियोडेटिक सर्वेइंग करनी होती तो एक थोड़ा सा प्लस कितना 1 आता वन सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आता डिस्टेंस कितना आता वन सेंटीमीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा आता हमारे पास ठीक है वन सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या आता

एंगल के अकॉर्डिंग ठीक है एंगल के अकॉर्डिंग देखें ये हमने क्या किया ये हमने क्या किया प्लेन सर्विंग ठीक है ये हमने क्या किया प्लेन सर्विंग तो इनका जो टोटल एंगल होगा कितना होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री इंटीरियर एंगल कितना होगा इनका न एटी डिग्री किसका बात कर रहे हैं हम अभी हम एंगल की बात कर रहे हैं इसमें हमने लेंथ की बात की थी कि अगर बारह किलोमीटर की लेंथ होगी अगर हम आ, 12 किलोमीटर की लेंथ है और हमने प्लेन सर्विंग कर रखी है अगर हमको उसका जियोडेटिक सर्विंग करनी होगी तो 12 किलोमीटर में एक सेंटीमीटर क्या होगा प्लस हो जाएगा ठीक है एक सेंटीमीटर ज्यादा आएगा अब कुछ ये ट्रायंगल है एंगल निकालने की बात हो रही है और अगर हमने ये प्लेन सर्विंग कर रखा है अगर हमने ये प्लेन सर्विंग की है तो हमारे पास इंटीरियर एंगल कितना आ गया 180 डिग्री ठीक है बट अगर हम अगर हम इसको जियोडेटिक सर्वेइंग में करें अगर हम इसी को जियोडेटिक सर्वेइंग करें जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है कैसा होता है अर्थ की कर्वेचर को हम कंसीडर करते हैं ठीक है थीके? तो मानो अगर हमने इसी पॉइंट पे तीन पॉइंट बनाए कुछ यूं इसमें क्या करें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा ठीक है कुछ इस तरीके से बनेगा ठीक है कुछ इस तरीके से बनेगा ये किसकी बात कर रहे हैं हम ये हम बात करें जियोडेटिक सर्वेइंग की ठीक है इसमें भी एंगल की बात करें ये जियोडेटिक सर्वेइंग की बात है और ये किसकी बात है हमारी प्लेन सर्वेइंग की बात है ठीक है थीके? तो इसमें जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 180 डिग्री के क्या होगा ग्रेटर देन होगा 180 डिग्री के ठीक है ग्रेटर देन क्या होगा 180 डिग्री के ठीक है ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा प्लेन सर्विंग होगा तो जो क्या होगा इनकी जो एंगल होगी 180 डिग्री होगी बट जियोडेटिक सर्विंग में क्या होगा एक 180 डिग्री से ज्यादा होगी आ, कितनी ज्यादा होगी पता आपको ये होगी इसका पूरा होगा 180 डिग्री 0 मिनट ठीक है कितना एक सेकेंड ज्यादा 180 डिग्री 180 एटी डिग्री जीरो मिनट वन सेकेंड ठीक है अगर ये प्लेन सर्विंग में 180 डिग्री है तो जियोडेटिक सर्विंग में कितना आएगा 180 एटी डिग्री जीरो मिनट वन सेकेंड ठीक है एंगल इतना आएगा ठीक है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इतना आएगा ठीक है ये बात आप नोट कर लेना ठीक है उसके बाद जो आगे है हमारे पास आगे आता है हमारे पास कुछ ये आपको समझ आ गया होगा आई थोप उसके बाद आता है हमारे पास क्लासीफिकेशन ऑफ सर्वे ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे की बात होती है हम क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वे पढ़ते हैं आगे सर्वे को आगे हमने क्लासिफाई कर हैं ठीक है हमने आगे क्लासीफाई कर रखे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ठीक है सर्वे की तीन तरह हमने से क्लासिफाई कर रखे हैं सबसे पहला होता है हमारे पास लैंड सर्वे लैंड सर्वे ठीक है दूसरा हो गया हमारे पास हाइड्रोग्राफिक सर्वे हाइड्रो ग्राफिक सर्वे तीसरा हो गया हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ठीक है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे लैंड सर्वे जो हम ग्राउंड लेवल पे करते हैं हम धरती पे करते हैं हो गया लैंड सर्वे हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो हम पानी में करते हैं या पानी के अंदर करते हैं उसको हाइड्रोग्राफिक है सर्वे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो हम स्पेस में करते हैं उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ठीक है जो लैंड सर्वे होता है उसमें क्या होता है लैंड सर्वे को हमने आगे भी बांटा हुआ है लैंड सर्वे को आगे हमने किस किस भाग में बांटा हुआ है ठीक है लैंड सर्वे को हमने आगे बांटा हुआ है एक होता है टोपोग्राफिकल सर्वे टोपोग्राफिकल सर्वे एक होता हमारे पास टोपोग्राफिकल सर्वे।, सर्वे एक होता हमारे पास कैडिस्ट्रियल सर्वे ठीक है एक होता हमारे पास टोपोग्राफिकल सर्वे एक होता है हमारे पास कैडिस्ट्रियल सर्वे और एक होता हमारे पास सिटी सर्वे क्या होता है हमारे पास सिटी सर्वे ठीक है टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या होता है अगर आपने पेपर कॉलेज में देखा होगा एक शीट होती है एक मैप होती है उसमें क्या होता है जो नेचुरल फीचर्स होते हैं जो भी कुछ फीचर्स होते हैं वो क्या करता है मैप में शो करते हैं जैसे मतलब ये यहाँ पे हिल है यहाँ पे पानी का वो है नाला है या रिवर है या कुछ है वो हम क्या करते हैं टोपोग्राफिकल मैप में या शीट में हम क्या करते हैं शो करते हैं ठीक है थीके? उसमें क्या होता है टोपोग्राफिकल सर्वे बोलते हैं उसको ठीक है उसमें क्या लिखना है टू नो अबाउट द इसमें क्या करते हैं टू नो अबाउट टू नो अबाउट टोपोग्राफिकल फीचर ट्रोपो टू नो अबाउट टोपोग्राफिकल टू नो अबाउट टोपोग्राफिकल फीचर्स ठीक है हम टोपोग्राफिकल फीचर्स के बारे में पता करते हैं मतलब कि कैसे मतलब उस जो मैप होगा उसमें हमको दिखा रखा होगा कि यहाँ पे हिल है यहाँ पे रिवर है यहाँ पे बाउंड्री घर है यहां पे कुछ है यहां पे कुछ है वो सब कुछ हमको क्या करेगा टोपोग्राफिकल में मैप में दिखाया हुआ होगा ठीक है कैडिस्टियल सर्वे में क्या होता है कैडिस्टियल सर्वे में हम क्या करते हैं हम बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं ठीक है बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं ठीक है प्रॉपर्टीज की बाउंड्री टू नो अबाउट टू नो अबाउट टू नो अबाउट प्रॉपर्टी लाइंस या बाउंड्रीज ठीक है बाउंड्री के बारे में बात करते हैं सिटी सर्वे में क्या क्या होता है जैसे हमको वाटर सप्लाई की पाइपलाइन बिछानी होती है या कोई भी चीज होता है वो सब हमारा में आता है सिटी सर्वे में आता है ठीक है तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग है वो तीन तरीके से होता है लैंड सर्वे जो हम लैंड पे करते हैं लैंड के आगे लैंड में भी कौन कौन से होते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे होते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या होता है हम जो नेचुरल फीचर्स होते हैं उनको क्या करते हैं मैप में रिप्रेजेंट करते हैं जैसे यहाँ पे हिल है यहाँ पे रिवर है यहाँ पे कुछ है तो ये सब हमारा है टोपोग्राफिकल सर्वे में फिर आता है हमारा कैडिस्टल सर्वे कैडिस्टल सर्वे में क्या होता है जो भी प्रॉपर्टीज की लाइन्स होंगी या हमारी कोई बाउंड्रीज होंगी वो सब कैडिस्टल सर्वे में आ जाएगी सिटी सर्वे की बात करें सिटी सर्वे में क्या क्या होता है जैसे मानो कि हमको वाटर सप्लाई की वाटर सप्लाई की पाइप्स बिछानी है कुछ भी करना हो तो उसमें क्या वो किस में आ जाएंगे वो सब हमारी सिटी सर्वे में आ जाएगी ठीक है फिर आता है हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे हाइड्रोग्राफिक सर्वे मतलब हम पानी के ऊपर उप... पानी में या पानी के नीचे क्या करते हैं हम सर्वेइंग कर रहे हैं तो वो हमारे हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग आ जाएगी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो हम स्पेस में करते हैं मतलब हम किसी भी तारे का पता करना हो कि डिस्टेंस पता करना हो ठीक है अर्थ की रिस्पेक्ट में या सूरज का सूरज की डिस्टेंस पता करनी हो हमको अर्थ के रिस्पेक्ट में तो ये सब किस में आ जाएगी हमारी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में आ जाएगी ठीक है वो किस में आ जाएगी हमारी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में आ जाएगी फिर इसके बाद जो है ठीक है यहां पे सिर्फ समझने वाली बात है इनको याद रखना आज केवल इंट्रोडक्शन है बाकी जो होगा अच्छे से पढ़ेंगे हम उसमें जब हम स्टार्ट करेंगे चेन सर्वे फिर तब अच्छे से स्टार्ट करेंगे जो प्रिंसिपल होता है नुर्ण 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 प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग ठीक है क्या क्या होता है वर्किंग फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होल टू पार्ट ठीक है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और लोकेशन लोकेशन ऑफ पॉइंट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट टू रेफरेंस पॉइंट इसका मतलब वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग याद रखना यह आते हैं एग्जाम में कि जो प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग है वो क्या है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट मतलब जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो होल टू पार्ट कर रहे हैं पार्ट टू होल नहीं होल टू पार्ट मतलब जो पहले बड़ा वाला एरिया है जो बड़ा चीज है उसको पहले हम मेजर कर रहे हैं हाई एक्यूरेसी से उसके बाद हम छोटे वाले एरिया को मेजर कर रहे हैं मतलब अगर आप समझो कि मानो ये हमारा कोई फील्ड है ये हमारी कोई फील्ड है ठीक है ये कोई हमारी फील्ड है ठीक है ये हमारी कोई फील्ड है हम क्या करते हैं नंबर ऑफ ट्रैंगल्स से बांट लेते हैं यह हमारी जो फील्ड है तो हम क्या करेंगे यहां से काम स्टार्ट करते हुए अंदर की तरफ आएंगे ठीक है ऊपर से मतलब बाहर से बड़े एरिया से काम करते हुए हम छोटे एरिया की तरफ आएंगे बड़े एरिया से काम करते हुए छोटे एरिया की तरफ आएंगे बड़े एरिया से काम करते हुए छोटे एरिया की तरफ आएंगे अगर हम छोटे एरिया डुँु? से जा काम करते हुए बड़े एरिया में जाए तो यहां एरर आ जाएगी तो उसको पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक है उसको सही करना मुश्किल हो इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ हाई एक्यूरेसी से काम करते हुए हम छोटी तरफ आते हैं ठीक है अगर यहाँ हाई एक्यूरेसी का काम करेंगे तो यहां क्या होगा जो भी एरर होगी वो कम होगी ठीक है तो ये क्या करते हैं होल टू पार्ट का मतलब ये है कि हम होल से बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं ठीक है होल टू पार्ट याद रखना प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग क्या होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट ठीक है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट ठीक है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट ठीक है इसमें क्या होता है जो मेजर कंट्रोल पॉइंट होते हैं इस इसमें लिखना मेजर वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में लिखना मेजर control points major control point are defined first and larger measurement and larger measurements are taken with high accuracy with high एक्यूरेसी मतलब इसने क्या बोला मैंने जैसा आपको बोलता है जो मेजर कंट्रोल पॉइंट होगी बड़े कंट्रोल पॉइंट जो होंगे उसको हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे और जो लार्जर मेजरमेंट जो होल की बात करता हूँ जो लार्जर मेजरमेंट होंगे उसको क्या करेंगे हाई एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे वहां पे ठीक है वहां पर क्या करेंगे हम हाई एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे ठीक है हायर एक्यूरेसी प्रिसीजन ठीक है ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग हमने क्या देखा प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग हमने देखा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट ठीक है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट मतलब बड़े से छोटे की तरफ आएंगे हम ठीक है बड़े में अगर हम बड़े की मेजरमेंट करेंगे पहले और वहाँ हाई एक्यूरेसी का काम करेंगे तो क्या होगा अगर हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो एरर क्या होगा हमारा बहुत कम आएगा ठीक है एरर क्या होगा एरर आने के चांस बहुत कम होंगे बट अगर हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हमारा एरर आने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे ठीक है ठीक अगर... है हमने क्या पढ़ा अब वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया ठीक है अब हमको पढ़ना लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट टू रेफरेंस पॉइंट ठीक है क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है मानो कि यहां पे कोई ए पॉइंट है यहां पे कोई बी पॉइंट है यहां पे कोई ए पॉइंट है यहां पे कोई बी पॉइंट है ठीक है इन दोनों के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया इन दोनों से इन दो रेफरेंस पॉइंटों की मदद से हमने एक पॉइंट सी को डिफाइंड कर लिया ठीक है एक पॉइंट सी को डिफाइंड कर लिया हमने ठीक है एक पॉइंट सी को एक पॉइंट सी को हमने क्या करा लोकेट कर दिया ठीक है ए और बी की मदद से टू रेफरेंस पॉइंट ए और बी की ये पहले से हमको पता था इनकी मदद से हमने क्या करा एक पॉइंट सी को हमने डिफाइन कर लिया किसकी बात हो रही है यहां पे लेंथ की लेंथ की अगर यहां लेंथ की बात हो रही है तो कौन सा सर्वे होगा ये इसको बोलेंगे हम चेन सर्वे कौन सा सर्वे बोलेंगे चेन सर्वे ठीक है चेन सर्वे में एक और दूसरा कंडीशन बनता है कि अगर ये ये हमारे ए भी है किसी भी सर्वे जो भी कोई भी सर्वे लाइन है उसके परपेंडिकुलर सर्वे सर्वे लाइन के रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट ली जाएगी सर्वे सर्वे ठीक है सर्वे लाइन के रिस्पेक्ट में कोई भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मेजरमेंट ली जाती है उसको हम ऑफसेट कहते हैं ठीक है थीके? उसको हम क्या है? कहते हैं ऑफसेट कहते हैं ठीक है थीके? उसको हम ऑफसेट कहते हैं ये भी चेन सर्वे के अंदर आता है पर इसको क्या बोलते हैं ऑफसेट मैथड ऑफसेट मैथड ठीक है औफसेट method, औफसेट method, सर्वे लाइन की रिस्पेक्ट में सर्वे लाइन की रिस्पेक्ट में कोई भी परपेंडिकुलर में जो डायरेक्शन मेजरमेंट की जाती है उसको हम क्या कहते हैं ऑफसेट मेथड कहते हैं ठीक है थीके? उसको हम क्या कहते हैं ऑफसेट मेथड कहते हैं और ये किस में आता है थीके? ये माइनर मेजरमेंट में आता है ठीक है ये किस में आता है हमारा ये हमारा आता है माइनर मेजरमेंट में किस में आता है ये हमारा ये हमारा माइनर मेजरमेंट में आता है ठीक है चेन सर्वे पढ़ लिया ऑफसेट मेथड के बारे में पढ़ लिया हमने क्या कर रहे हैं? इसमें दो रेफरेंस पॉइंट को लेकर तीसरे रेफरेंस रिस्पेक्ट रेफरेंस पॉइंट को हम निकाल रहे हैं ठीक है थीके? फिर ये वही पॉइंट ये ए हो गया ये बी हो गया ये ए हो गया ये बी हो गया ठीक है ये हमारा ए हो गया ये हमारा बी हो गया इसके रेफरेंस में हमने क्या करा सी को फाइंड आउट करना है सी की लोकेशन को हमने फाइंड आउट किया ठीक है सी की लोकेशन को हमने फाइंड आउट किया ठीक है इसमें हमने क्या करा एंगल की हेल्प ली यहां क्या किया हमने एंगल की मदद से एंगल की मदद से तीसरे को हमने लोकेट करा तो इसको हम क्या बोलेंगे इसी को बोलेंगे हम कंपास सर्वेइंग कंपास सर्वे इसको क्या बोलेंगे हम कंपास सर्वेइंग ठीक है इसको क्या बोलेंगे हम कंपास सर्वेइंग ठीक है दो रेफरेंस पॉइंट ए और बी उससे इनके हेल्प से इनके एंगल के हेल्प से हमने क्या करा सी पॉइंट को लोकेट करा तो उसको क्या बोलेंगे हम कंपास सर्वेइंग ठीक है एक चौथा है लास्ट इसमें क्या किया हमने ए और बी की हेल्प से ए और बी के हेल्प से हमने कोई सी पॉइंट को लोकेट किया और इसमें क्या किया हमने इस 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 वाले कंडीशन में हमने क्या किया हमने एक लेंथ भी ली और एंगल को भी मेजर किया ठीक है एंगल और लेंथ की हेल्प से एंगल और ये एंगल हो गया और ये लेंथ हो गया इसकी हेल्प से हमने क्या किया एक पॉइंट सी को मेजर एक पॉइंट सी को लोकेट किया तो इसको हम कौन सा सर्वे कहेंगे इसी को हम कहेंगे ट्रेवर्स मेथड ट्रेवर्स मैथड इसको क्या बोलेंगे हम ट्रेवर्स मैथड बोलेंगे ठीक है आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग में क्या है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट मतलब बड़े से छोटे की तरफ बड़े से छोटे की तरफ ठीक है दूसरा लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट मतलब हमने हमको दो रेफरेंस पॉइंट मतलब पहले से हमको दो नोन पॉइंट पता थे दो नोन पॉइंट पता थे दो रेफरेंस पॉइंट पता थे उनकी हेल्प से हमने क्या किया तीसरे पॉइंट को लोकेट किया या फाइंड आउट किया या लोकेट किया बातें किए हमने लोकेट कर दिया ठीक है ये सब कुछ हो गया हमारा उसमें हमने बता दिया आपको अगर लेंथ की टर्म्स में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अगर लेंथ की टर्म्स में करेंगे तो चेन सर्वे हो गया एंगल से निकालेंगे तो हम कंपास हो गया अगर लेंथ और एंगल दोनों का यूज़ करा तो हमारा क्या हो जाएगा ट्रैवर्स सर्वेइंग हो जाएगा ठीक है ट्रेवर्स सर्वेइंग हो जाएगा ये आपको सब कुछ आगे ट्रैवर्स मेथड है ट्रेवल सर्वेइंग लिख लेना तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा थैंक यू